धन्यवाद आदरणीय नितिन गडकरी जी, आपने जिस प्रकार से आज दिल्ली के भविष्य को दिल्ली की जनता के सामने दिल्ली की विद्वान मीडिया के मार्फत रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और प्रकाश जावड़ेकर जी की उपस्थिति में जो प्रभारी हैं इस चुनाव में विधानसभा के 2020 के, और जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये संकल्प पत्र तैयार किया है, हर्षवर्धन जी और यहाँ उपस्थित विजय गोयल जी, हमारे रमेश विधूड़ी जी, प्रवेश वर्मा जी, श्याम जाजू जी, मीनाक्षी लेखी जी और गौतम गंभीर जी और हंसराज हंस जी, और इसके साथ साथ हमारे कई साथी मीडिया के, मैं आपके सामने अपने संकल्प पत्र का बिंदुवार रख रहा हूं, जो आप इसको अच्छे से लोगों को बताएंगे। सबसे पहला बिंदु है, आपके सामने आ गया है, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देंगे। सीधा सा मतलब है कि मोदी सरकार की यही पहचान है, अभी की सरकार जो है पिछले 5 साल से उसमें आधे मंत्री और विधायक या तो बेल पर है या तो उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, और हम इस प्रतिमा को बदलेंगे। हमारा दूसरा संकल्प है नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड, जो 40 लाख से ज्यादा लोगों के अनाधिकृत घर को नई अधिकृत कॉलोनी के रूप में जाना जाने लगा है, अब हम उनके विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे और इस विकास को हम सबसे बड़ी प्राथमिकता देने वाले हैं। तीसरा बिंदु, व्यापारियों के लिए एक वर्ष में लीज होल्ड से फ्री होल्ड का काम पूरा जो हमने शुरू किया है, 10 लाख व्यापारियों की दुकान और हजारों ऑफिसेज को इससे फायदा होगा। चौथा बिंदु, बहुत ही चर्चित बिंदु है, दिल्ली में सीलिंग न होने के लिए नियम और कानून में जो जरूरी बदलाव है, शहर विकास का नियोजन एवं नियम ठीक ना होने से सीलिंग की भयानक समस्या दिल्ली को देखनी पड़ी, उसको हम पूरे कानूनन ढंग से उसको सुलझाने का रास्ता निकाल लेंगे, यह हमारा संकल्प है। नंबर 5, आगे बढ़ाइए स्लाइड को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, दिल्ली के किराएदारों के हितों की रक्षा करना। किराएदार दिल्ली में बड़ी संख्या में है, बहुत समय से उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना, हम उनके आवश्यक हितों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। गरीबों के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना आज भारतीय जनता पार्टी अनाउंस कर रही है, आप जानते हैं रोटी कपड़ा मकान इस देश की गरीबों की गांव की गरीब की सबसे बड़ी आवश्यकता, हम 18 रुपए किलो का गेहूं 2 रुपया किलो देते हैं लेकिन उसको पिसवाने में 5 रुपया किलो का खर्चा होता है, मिनिमम 5 लाख 5 रुपए का, तो मतलब वो गेहूं लेकर के शुरू रुकना रुकना भी रुकना भी गेहूं वाला रुकना, अभी सोचिए इसको सुखाना उसको भिगाना, हम आप कभी भी किसी झुग्गी में जाइए कहीं कॉलोनी में जाइए जो लोग उसको कई दिन लगाते हैं, हमने निर्णय किया है कि आटा पीसने में गरीबों का सारा पैसा खर्च होता है, तो अच्छी गुणवत्ता का आटा मात्र 2 रुपए किलो दिल्ली के उन लोगों को जिनको अभी तक गेहूं मिलता था हम आटा देने का काम करेंगे। नंबर 7, आगे बढ़िएगा, एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की, टैंकर वाली दिल्ली, टैंकर माफियाओं वाली दिल्ली, टैंकर मुक्त दिल्ली और हर घर में नल से स्वच्छ जल। मोदी सरकार आने वाले 5 साल में
जैसा अभी आपको हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पानी का स्रोत, पानी को साफ करने की योजना बताई, तो मोदी सरकार आने वाले लगभग 3.5 साल में हम सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से शुद्ध जल देंगे, जैसे हमने खुले शौच से देश को मुक्त किया, वैसे ही टैंकर और गंदे पानी से दिल्ली को मुक्ति दिलाएंगे। 8 नंबर, इसके आगे बढ़िए। दिल्ली में 3 बड़ी योजना जो मोदी सरकार ने दी उसको रोका है आम आदमी पार्टी ने। आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलता है गरीबों को। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें बेघर को घर मिलता है। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को देश में घर मिल चुका है, लेकिन दिल्ली में बेघर को घर क्यों नहीं। और किसान सम्मान निधि, ये तीनों हम बीजेपी की सरकार बनते ही इसको लागू करेंगे दिल्ली में, ताकि उनका कार्य हो। नंबर 9, आपने देखा 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज का वादा किया पिछली सरकार ने, लेकिन एक भी नया स्कूल और एक भी नया कॉलेज नहीं बना। बीजेपी जो कहती है वो करती है, और हम 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल मिनिमम बना करके दिल्ली की जनता को 5 साल में देंगे, ये हमारा न्यूनतम लक्ष्य है। अगला, समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना। आप देखिए, पता ही नहीं चलता है सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, कि सड़क ही गड्ढा है कि गड्ढा ही सड़क है। ये लाइन मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमित शाह जी ने गलियों का दौरा करने के बाद बोला। हम लोगों ने 10,000 करोड़ की लागत से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे, इसके लिए संकल्पित हैं। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके तहत हम गरीब परिवार की लड़की के जन्म के समय ही एक निश्चित राशि जमा करेंगे, उसका अकाउंट खोलेंगे, और जब वो बेटी 21 साल की होगी तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बड़ा एक संकल्प हमने दिल्ली के लिए लिया है। अगला, कॉलेज जाने वाली गरीब छात्राओं को कॉलेज जाने वाली गरीब छात्रा को हम इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त में देंगे, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ताकि उस गरीब के बेटी को यातायात के लिए कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़े। अगला, 9वीं कक्षा में गए गरीब छात्राओं को हम मुफ्त में साइकिल देंगे, 9वीं कक्षा के, ताकि उनका स्वयं प्रवास का एक साधन भी होगा, और ये कार्य करने के लिए बीजेपी संकल्पित हो रही है। गरीब विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, हम सभी सांसद सभी लोग ये बात को महसूस कर रहे हैं। गरीब विधवा की बेटी की शादी की समस्या में हम संकल्पित हो रहे हैं कि 51,000 रुपए का सरकारी उपहार उस गरीब विधवा माँ को उसकी शादी के लिए दिया जाएगा, खर्चे के लिए। अगला, दिल्ली को कचरे के ढेरों से मुक्ति। आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए हम इस ढेर को समाप्त करने की पहल शुरू कर दिए हैं, और हम एक निश्चित समय में, अगले 2 वर्षों में, हम इस कूड़े के पहाड़ को, कूड़े के ढेर को समाप्त करके ही दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। रोजगार, पिछली सरकार ने 8 लाख नौकरियां देने की बात करी थी, लेकिन किया कुछ नहीं, नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल। भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प ले रही है कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएंगे अगले 5 वर्ष में, 10 लाख जिसमें नौकरियां और रोजगार दोनों के सृजन से यह संकल्प पूरा होगा। 17 नंबर, युवा
महिला, आर्थिक पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए अलग अलग बोर्ड बनाएंगे। अगला, महिला सुरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सुरक्षा योजना हम शुरू करेंगे। दिल्ली पुलिस के सहयोग से 10 लाख महिलाएं छात्राओं को सुरक्षा का ट्रेनिंग भी दिया गया है, इसको और भी हमें विस्तार करना है ताकि बेटियां महिलाएं अपने रक्षा के लिए स्वयं खड़ी हो। दिल्ली यमुना विकास बोर्ड, साथियों हम दिल्ली यमुना विकास बोर्ड बनाने का संकल्प लिए हैं और जिसमें कि यमुना रिवर फ्रंट शामिल होगा, जिसमें यमुना घाट बनेंगे और वहां पे गंदगी का नहीं अच्छे वातावरण का परिचायक बनाएंगे और हम लोग यमुना आरती भी शुरू करेंगे वृंदावन मथुरा काशी की तरह। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, हम लोगों ने जो निश्चय किया है, पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कहा गया था कि हम परमानेंट कर देंगे, ये सरकार बिना विजन की सरकार रही 5 साल तक। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जॉब गारंटी देंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हमेशा रोजगार जाने का डर रहता है, हरियाणा की तरह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हम उसके जॉब की सुरक्षा देंगे जिसमें वो भी 58 साल तक अपनी नौकरी कर सके। रेडी पटरी वालों को नियमित करने का संकल्प लेती है भारतीय जनता पार्टी। रेडी पटरी वाले खुद का रोजगार करते हैं और समाज की जरूरत की पूर्ति करते हैं। एक मास्टर प्लान तैयार करके हम उनको न्याय देने के लिए कृत संकल्पित हैं। किसानों पर लगी धारा, अगला, किसानों पर लगी धारा दिल्ली में 33 और 81 को पूर्णतया समाप्त करेंगे। दिल्ली में 81 पार्शियली समाप्त हुआ है मगर पूरी तरह से 33 और 81 समाप्त करेंगे और 20 सूत्री कार्यक्रम, इसके लिए दिल्ली में बहुत सारी डिमांड हुई है, 20 सूत्री कार्यक्रम के प्लॉट्स को मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों की सभी प्रमुख मांगे इससे पूरी होती हैं और किसानों के साथ लगातार संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। युवाओं को, अगला है पॉइंट, युवाओं को अवसर देने के लिए टैलेंट हंट, दिल्ली से बहुत सारे मनोज तिवारी निकल रहे चाहिए, बहुत सारे अभिनय की दुनिया में, सिंगिंग की दुनिया में, पेंटिंग की दुनिया में, ऐसे टैलेंट हंट के लिए युवाओं के प्रतिभा को अवसर देने के लिए प्रतिभा शोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उन्हें आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जाएगी। इस सुझाव के लिए हंसराज हंस जी का बहुत धन्यवाद। और हम बस 4-5 पॉइंट और है मेरे साथी, जिसको हम प्रमुखते आपके समक्ष रख रहे हैं, मुश्किल से 5-6 पॉइंट और है। झुग्गियों में और वार्डों में, दिल्ली के 280 वार्ड हैं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि झुग्गियों में और हर वार्ड में हम लाइब्रेरी बनाएंगे जिससे छात्रों को अच्छा और अधिक पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, वाचन संस्कृति को बढ़ावा देंगे। 25 नंबर है एक पॉइंट, सफाई कर्मचारियों को एरियर का भुगतान, उनकी बकाया राशि के लिए वर्षों से हमारे सफाई कर्मचारी लगातार सड़कों पे आते हैं। जय सरकार बनते ही हम सफाई कर्मचारियों के बकाया राशि को देंगे और न्याय करेंगे उनके साथ। देश को साफ रखने का काम मूलतः सफाई कर्मचारी करते हैं दिल्ली को, और हमारी सरकार निगमों को वेतन और बकाया राशि के पैसे तुरंत मुहैया कराएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। दिव्यांगजन के लिए, आज राष्ट्रपति जी ने भी दिव्यांगजन के लिए कहा, विधवा के लिए, बुजुर्ग के लिए, 1984 के दंगे पीड़ितों के लिए पेंशन में हम वृद्धि करेंगे और जहां इन वर्गों में पेंशन योजना बंद किया है पिछली सरकार ने, हम उसको शुरू करके पेंशन योजना में और बढ़ोतरी करेंगे, ये संकल्प है बीजेपी का। 27 नंबर संकल्प, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का समयबद्ध विकास,
और ज्यादा FAR ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की दिक्कतें दूर करके उनके सही विकास के लिए मास्टर प्लान एवं नए नियम बनाएंगे। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दिल्ली की लगभग 14 विधानसभाओं का ये समस्या है, रिसेटलमेंट कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का। भारतीय जनता पार्टी संकल्प करती है कि पुनर्वास कॉलोनियों को, रिसेटलमेंट कॉलोनियों को हम मालिकाना हक देंगे। रिसेटलमेंट कॉलोनियों की समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही सुलझा देंगे जैसे हमने अनऑथराइज कॉलोनियों की समस्या को सुलझाया है। अगला, स्टार्टअप को हम प्रोत्साहन देने वाले दिल्ली में। और उसके बाद का पॉइंट है फिट इंडिया। आज पूरे देश में फिट इंडिया की बात है, सिर्फ दिल्ली में लोगों को अस्वस्थ करने की मुहिम चलाया है सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि फिट इंडिया फिट दिल्ली कार्यक्रम का हम अमल करेंगे और इसको खेलो इंडिया से जोड़ेंगे। 31 नंबर, सभी रिक्तियों की भर्ती। दिल्ली में स्कूल में जाइए, टीचर की भर्ती नहीं हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। हम सभी रिक्तियों की भर्ती हम मुश्किल से 1 से 1.5 साल के अंदर कर लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और 32 नंबर और आखिरी पॉइंट है ये हमारे इस संकल्प का, कि ऑटो और टैक्सी का स्टैंड बनाने की मांग बहुत समय से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि हम जैसे गरीबों को 2 रुपया किलो आटा गुणवत्ता वाला देंगे, वैसे ही हम ऑटो और टैक्सी का स्टैंड भी बनाएंगे। और बहुत कुछ है जो इसमें लिखा हुआ है, 37 बचे हैं, इसमें 37 चीजें बची हैं, क्योंकि आपका भी समय महत्वपूर्ण है, हमारा भी समय महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट की जो कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सारे संकल्प के साथ हम लोग इस संकल्प को पूरा करके दिल्ली को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे।